वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ऑल गुड। आज अपनी एक्टिवा को हो चुके 5 ईयर्स कंप्लीट। सो 2016 में मैंने ये गाड़ी परचेज करी थी और तब से ही मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिए थे। सो एक्टिवा के लगभग मैं सारे मॉडिफिकेशन आपसे शेयर कर चुका हूँ। एक चीज़ बची है, वो है मेरे एक्टिवा के हॉर्न्स। एक्टिवा में मैंने हमेशा से एक टाइप के हॉर्न यूज़ करे, वो है विंड टोन डुअल वाले हॉर्न्स। अगर मैं ज़्यादा आपको अच्छे से समझाना चाहूँ तो विंटोन से आप नहीं समझ पा रहे होगे तो क्रेटा वाले हॉर्न्स, जो क्रेटा में साउंड आता है, जैसे ह्यूंडई की कार्स में हॉर्न्स आते हैं, वो वाले हॉर्न्स मैंने अपने एक्टिवा में इंस्टॉल करें विद इन बजट। ज़्यादा मैंने उसमें खर्चा नहीं करा है। तो एक्टिवा में हॉर्न्स इंस्टॉल करने के बाद दो मुझे दिक्कत आई थी, वो इस वीडियो से मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक्टिवा में जो एक बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन रहती है जिसके कारण हॉर्न्स फिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो पहले मैं एक्टिवा की सारी जो फिटिंग्स है आगे की पैनल से लेफ्ट एंड राइट के और जो फ्रंट का नोज है ये ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको हॉर्न्स की प्लेसमेंट बताता हूँ और दो चीज़ें बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप हॉर्न्स खुद इंस्टॉल कर रहे हैं या बाहर से इंस्टॉल करवा रहे हैं। गाइस मैंने वायरिंग सारी ओपन कर ली है हॉर्न की, जैसे कि अगर मैं हॉर्न पहली बार इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो जो हॉर्न के हैं ब्लैक वायर्स आप देख सकते हो, तो इनकी वायरिंग मैं आपको समझाता हूँ ये कि दोनों हॉर्न्स कनेक्ट करने की वायरिंग कैसे जाएगी। तो ये जो अपना ये वाला पॉइंट है दोनों हॉर्न्स में जा रहा है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पर जो मैंने बॉडी में ग्राउंड करा ये अपना नेगेटिव पॉइंट है जो कि दोनों हॉर्न्स में कनेक्टेड है। तो इसका मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, बना के बताता हूँ। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ अब वायरिंग डायग्राम। तो ये अपना हॉर्न 1 है, ये अपना हॉर्न 2 है। सो इसमें से एक है, दो टर्मिनल्स रहते हैं हॉर्न में जिसमें से एक दो वायर लेके अपन को एक पॉइंट बनाना है जो कि अपना रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। और इन दोनों नेगेटिव्स को ज्वाइन करके एक वायर निकालना है जो कि, और यहाँ से हम इसको एक और वायर निकाल देंगे जो कि रहेगा नेगेटिव। इसको हम बॉडी में कहीं पे भी ग्राउंड कर देंगे तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये रहा जो कि मैंने यहाँ पे ग्राउंड करा है, और ये जो दो वायर्स आ रहे हैं एक इस हॉर्न में एक इस हॉर्न में, ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब बात आती है रिले की। सो यहाँ पर आपको कनेक्शन देना है। सो ये जो अपना ये वाला टर्मिनल है ये अलग सा है, यहाँ पे आपको कनेक्शन देना है डायरेक्ट बैटरी से, ठीक है। और यहाँ पे आपको कनेक्शन देना है हॉर्न्स के पॉजिटिव का, और इन दोनों में रहेंगे अपने जो कंपनी से दो हॉर्न के वायर आ रहे हैं वो रहे ये वाले अपने वायर्स। सो यहाँ पे आपको कनेक्शन देना है सीरियल नंबर 86 में और 85 में, और जो अपना 30 नंबर वाला रहेगा उसमें आएगा कनेक्शन बैटरी से, एंड 87 पे आएगा अपने जो हॉर्न्स का ये वाला टर्मिनल है पॉजिटिव वाला, वो आएगा नंबर 87 पे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। और ये सारे जो टर्मिनल नंबर है ये सारे रिले में रहते हैं जो कि अपने ब्रांडेड रहते हैं। सो ये वाला जो मेरे पास रिले है ये है रूट्स का, रूट्स एंड मिंडा के अच्छे कंपनी के आपके जो एक रिले रहते हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि इससे नीचे वाले अगर आप कोई भी यूज़ करोगे सो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि यार जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है लेकिन मैं जब वायरिंग करके बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया यहाँ पे एक रहता है 30 नंबर का टर्मिनल जो कि अपना ऐसा रहेगा, और यहाँ पर रहेगा अपना टर्मिनल 87 नंबर का, 87, और यहाँ पर रहेंगे 85 एंड 86। सो जो अपना 30 नंबर वाला रहेगा यहाँ पे आपको कनेक्शन देना है बैटरी का, ठीक है। यहाँ पे आपको कनेक्शन देना है जो हॉर्न का वायर आ रहा है अंदर से, हॉर्न वायर 1, और यहाँ पे आपको कनेक्शन देना है हॉर्न वायर 2, क्लियर है। और अब थोड़ा सा दिख रहा होगा, सो हॉर्न वायर 2
और जो 87 वाला रहेगा वहाँ पे आपको कनेक्शन देना है जो पॉजिटिव ऑफ बोथ हॉर्न्स। ये जो अपना पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि दोनों हॉर्न से निकल रहा है, इसको मैंने बोला है पॉजिटिव ऑफ बोथ हॉर्न। सो ये जो पॉजिटिव है वो देना है आपको 87 नंबर पे। सो ये जो सीरियल नंबर रहता है रिलेज का, ये आपको सारे रिले में मिल जाएगा, वो भी सेम में, सब में एक ही नंबर रहते हैं। तो कनेक्शन करके बताता हूँ मैं आपको और फिर बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आई थी मुझे। एंड हॉर्न्स पे वायर कनेक्ट करने के लिए ये जो पिन्स आती है, ये आपकी दो टाइप की पिन्स आती है। ये जो मेरे पास पिन है ये अच्छी थोड़ी सी हैवी है, यानी कि बेंड हाथ से बेंड करने पे आसानी से बेंड नहीं हो पा रही है। तो ये हार्ड है, 5 रुपये की एक आती है, यानी कि आप अंदाज लगा सकते हो अगर जो इससे कम वाली पिन्स आती है वो थोड़ी सी हल्की रहती है, और 4 रुपये की 3 रुपये की भी मिल जाती है, लेकिन वो हाथ से भी मुड़ जाएगी और जब आप इसको हॉर्न में कनेक्ट करेंगे तो जल्दी से दचके में बाहर आ जाएगी, जिसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। यू कैन सी ऐसी पिन आती है, और यहाँ पे वायर को प्रेस करके आप ये जो उसके चीज़ है इसको प्लायर से प्रेस करके वायर कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इसको किसी मैकेनिक से करवा सकते हो, और अगर मैकेनिक से करवा रहे हो तो बोलो कि भाई ये जो पिन है ये अच्छी क्वालिटी की देना, जल्दी हार्ड वाली अच्छी वाली, ताकि वो निकले ना हॉर्न से दचके में, ना तो चलते चलते में हॉर्न बंद होने की दिक्कत आती है। तो ये बात हो गई पिन्स की। और जब हम रिले कनेक्ट करते हैं तो रिले भी दो टाइप के आते हैं। तो ये रूट्स का अच्छा वाला रिले जो कि मुझे तकरीबन 110 120 रुपये का आ गया था, तो ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा चल रहा है। उससे पहले जो रिले लगा था जो कि 30 40 रुपये का था वो जल्दी ख़राब हो गया था, जिसके कारण हॉर्न्स बंद हो गए थे। एंड मैं हॉर्न्स की बात करूँ तो ये वाले जो हॉर्न्स है ये मुझे 350 में आ गए थे। रहेगा बाकी जो हॉर्न की लाइफ है वो एक तो आपके ये जो कनेक्टिंग पिन्स आती है इन पर डिपेंड करेगा, और अपने रिले पे डिपेंड करेगा। जो 30th नंबर वाला यहाँ पे कनेक्टिंग पिन है वो आपको जो बैटरी से एक वायर आ रहा है, जो कि सी यहाँ पे एक बैटरी से वायर आ रहा है जो कि मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है। सो जो उसको यहाँ पे लगाना है। एंड जो 87 नंबर वाला टर्मिनल है वहाँ पे आपको दोनों हॉर्न से जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल आ रहा है उसको कनेक्ट करना है। और ये दो दो वायर्स आ रहे हैं जो कि एक्टिवा के अंदर कंपनी फिटेड वायर्स हैं, इनको आपको 85 और 86 पे कनेक्ट करना है। एक 85 पे एंड एक आपको कनेक्ट करना है 86 पे। अब जो मेन इसका बैटरी से वायर आ रहा है वो आपको कनेक्ट करना है नंबर 30 पे। सो यहाँ पे कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं इस वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे मेरे जो रेड वायर्स हैं ये लाइट के वायरिंग गई हुई है। सो नाइट एलईडी लाइट इसमें इंस्टॉल्ड है, और ये वायरिंग जो जा रही है अपनी पॉजिटिव से ये जा रही है अपने हॉर्न्स के लिए। अगर मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूं कि खुद से हॉर्न इंस्टॉल करना चाहिए या ना चाहिए, सो मेरा तो यही रहेगा आप जहाँ से हॉर्न खरीद रहे हैं, आपकी जहाँ पे भरोसेमंद दुकान है, मैकेनिक है, आप उनसे ये हॉर्न इंस्टॉल करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आपको शौक है अपनी व्हीकल पे काम करने का तो आप कर सकते हो, और आप नॉलेज एक प्रैक्टिकल नॉलेज अलग रहता है। मैं कितना भी वीडियो में बता दूं, जब तक आप करके नहीं देखेंगे या लाइव नहीं देखेंगे होते हुए वायरिंग या जैसे भी कनेक्टर्स कनेक्ट करते हैं, जब तक एग्जैक्टली आप सीख नहीं पाएंगे। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा बहुत भी, तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि अपनी व्हीकल, अपनी एक्टिव, अपनी बाइक दूसरे मैकेनिक से करवा ले कि भाई ऐसी ये मुझे इंस्टॉल करवाना है। और जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है एक अच्छी क्वालिटी वाले कनेक्टर्स और अच्छी क्वालिटी वाला रिले। तो रिले का काम ये रहता है बैटरी से पावर सप्लाई काटना, जब हम जब हॉर्न यूज़ में नहीं रहते हैं उसके कारण अपनी बैटरी बचेगी। आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं लेकिन इसमें बैटरी ड्रेनेज का काम जो एक डर रहेगा, और रिले से अपनी जो बैटरी ड्रेन नहीं होती वो जब हॉर्न यूज़ में नहीं रहते वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन काट के रखता है, ये रहता है रिले का काम। एंड कंपनी मिंडा का रिले ले सकते हैं आप, रूट्स का रिले ले सकते हैं,
मैंने रूट्स का रिले इंस्टॉल कराया जो कि है 80 रुपये का, और हॉर्न्स लोकल वाले हैं जो कि है 350 रुपये के। अच्छे वाले हॉर्न 1600 रुपये से लेके 1800 तक के आते हैं, उससे नीचे भी आते हैं। जो मेन कंपनी है हॉर्न्स की, अच्छी कंपनी है, वो है रूट्स, मिंडा एंड बॉश के हॉर्न्स भी आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं बोलूँ कि सस्ते वाले भी लोगे तो आपका काम चल जाएगा। जो मेजर आता है डिफरेंस, वो आता है साउंड का डिफरेंस। सस्ते वाले हॉर्न्स अलग साउंड करेंगे, महंगे वाले हॉर्न्स अलग साउंड करेंगे। जो मेन डिफरेंस आएगा वो आएगा रिले से। आपका रिले ख़राब होएगा तो हॉर्न बंद होएंगे, बाकी सस्ते वाले हॉर्न भी लोगे तो ख़राब नहीं होंगे, साउंड में डिफरेंस आएगा एंड कनेक्टर्स अच्छे होने चाहिए। सो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ और डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। विद दैट सेड गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग। जो और आपके मन में हो मॉडिफिकेशन से लेके एक्टिवा से रिलेटेड, वो आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और एक जो रिक्वेस्ट है, एक्टिवा 5G का कनेक्शन AC टू DC करने का, हेडलाइट का, यानी कि जब एक्टिवा 5G की लाइट स्विच ऑन करेंगे चाबी से तो अपनी हेडलाइट ऑन हो जाएगी, तो उस पर काफ़ी रिसर्च करी है। सो भाई, पर्सनल एडवाइस मेरी आपसे यही रहेगी कि अगर एक्टिवा 5G का जो कंपनी फिटेड LED आ रही है उसको कंपनी की वायरिंग पे रन करोगे तो LED के लिए भी सेफ रहेगा और एक्टिवा के लिए भी सेफ रहेगा। बाकी कुछ रिलायबल मेथड अगर पता लगती है तो जैसी पता लगती है मैं वीडियो उस पर बना के आपसे शेयर कर लूँगा। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप, और बाय द वे एक्टिवा मैंने पैक कर ली और ये क्लिप मैं अब ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो इंदौर के रहने वाले, इंदौर के आसपास रहने वाले, उनके लिए अच्छी है। छोटी गोल्ड वाली करके एरिया है जहाँ पे टू व्हीलर एक्सेसरीज से रिलेटेड सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। ये जो हॉर्न थे मैंने छोटी गोल्ड वाली से 350 में खरीदे थे, और भी वेराइटीज़ आपको मिल जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा छोटी गोल्ड वाली का एक व्लॉग बनाने के लिए। आगे कुछ प्लान्स है मेरे इंजन से रिलेटेड अपग्रेड करने के लिए, तो तब आपको एक ब्लॉग छोटी वॉल्ट वाली का देखने को मिल जाएगा। एंड ऑनलाइन खरीदने के लिए डुअल टोन हॉर्न जो दूर रहते हैं, जिनको टाइम नहीं है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। यही था, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।